क्या बात है, क्या बात है, कैसे हैं आप? कैसे हैं, क्या हाल है मेरे भाई? बिल्कुल माइंड ब्लोइंग। आप कैसे हो? उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं किसी से ढंग से हेलो हाय नहीं कर पाया। कैसे आप लोग? माइंड भाई, आई एम गुड, हाउ आर यू? अरे बाप रे, अरे कैसे मेरे यार, कैसे कैसे? जिम से सीधा इधर। कहाँ जिम भाई, कहाँ जिम? बैठ जाऊँ? हाँ जी, नॉन स्टॉप। हाँ जी, हाँ जी। हाय, सॉरी, मैं मम्मा पापा के खाने के लिए कर रहा था। जिस तरह का सफर आपका रहा है, काफी कमाल का रहा है, काफी इंटरेस्टिंग रहा है। थैंक यू। क्या कुछ अपने सफर के बारे में बताना चाहोगे? सफ़र मेरा, मुझे लगता है कि बहुत बहुत माइंड ब्लोइंग रहा है। हर किसी को ऐसी उम्मीद होती है, और ये बहुत मतलब अच्छी बात है कि आप, हर इंसान सबसे बेस्ट की एम करता है। लेकिन आज मैं यहाँ फिनाले तक पहुँचा, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत साथ में, यू नो, सभी बहुत काबिल हैं, और उनके बीच में यहाँ तक पहुँचना, आई थिंक इट इज़, मैं बहुत खुश हूँ यार। क्या सफ़र रहा है मेरा, मुझे लगता है। मैं आपको बताऊँ, मैं आज गलत, ऐसा मैं सच बताता हूँ, मुझे टॉप, अगर ये टॉप 10 भी होता और तब भी आप पूछते हैं, तो मुझे उतनी ही उम्मीद या ना उम्मीद थी अपने आप से जितनी आज थी यहाँ तक पहुँचने की। क्योंकि जब आप उस घर में होते हो, तो आपके लिए हर इंसान जो है, जो अंदर है घर में, उसकी एक अपनी कहानी चल रही है अपने दिमाग में। उसको लग रहा है कि वो बहुत अच्छा कर रहा है, कर रही है, लेकिन आपको नहीं पता कि हिंदुस्तान को क्या पसंद आ रहा है। यू नो, द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज, यू नो, जस्ट बी योरसेल्फ एंड जस्ट बी। तो मुझे हर बार जब मैं नॉमिनेट हुआ, मुझे कितनी बार नॉमिनेट किया है भाई साहब, मुझे इतनी बार नॉमिनेट किया गया, तो मुझे हर बार जब नॉमिनेट होता था, मैं ना बड़ा स्ट्रॉन्ग फेस रखता था कि नहीं यार, नहीं जाऊँगा, नहीं नहीं, अपने आप से उम्मीद है, एंड यू नो, यू शुड बी पॉजिटिव। लेकिन एक नर्वसनेस हमेशा से थी, क्योंकि ऑब्वियसली शो का फॉर्मेट ऐसा है कि आपको नहीं पता कि बाहर 24 घंटे में क्या दिख रहा है, क्या नहीं है। लेकिन जब मैं यहाँ तक पहुँचा, और आज जो सुबह चालू हुई, तो मैं अपने आप को देख के, बार बार आईने के सामने देख के बोला था, बैठ गया शालीन यार, तूने यहाँ तक तो आ गया, तू आखिरी दिन तक आ गया। ऐसा कोई नहीं है जो डिज़र्व, जो जहाँ तक पहुँचा वहाँ पे 100% डिज़र्व करता है। आज स्टैंड डिज़र्व करता था, वो बहुत ही अल्लाह का बंदा है, और सच्चा है, और अच्छा है, और बच्चा है, और कामयाबी उसे, उसकी कदम चूम रही है। आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम। सॉरी, बिल्कुल 100%। और आज मुझे लगता है कि मुझे नहीं पता कि इससे पहले किसी सीज़न में ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ, पर इस सीज़न में एक नहीं, दो अवार्ड मिले, एक एमसी स्टैंड को, वो जो उसने अवार्ड लिया, और एक मुझे, जैसे मैं बाहर आया और मतलब हेलो, एकता कपूर ने सेल्फी वीडियो बनाई है मेरे लिए, मतलब आप समझ रहे हो, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड है। तो यू नो, आई थिंक वो जीत जो पापा बोल रहे थे, आई थिंक आई एम ऑलरेडी देयर, यू नो, मुझे नहीं, पता भी नहीं है कि वो शो क्या है, क्या नहीं है, बट जस्ट फॉर द फैक्ट कि मैं कलर्स में हूँ, एंड यू नो, कपूर का शो है एकता मैम का, आई एम रियली रियली हैप्पी, एंड इट्स एन अचीवमेंट फॉर मी, जीत है मेरे लिए। हाँ जी, नहीं यार, मैं कौन होता हूँ मना करने वाला, पर मेरे को थोड़ा सा ऑनेस्टली वो दिन ऐसा था मेरे लिए, और मैं बहुत ऑनेस्टली आपको बोलूँगा, मैं बिग बॉस के सेट पे हूँ, और बिग बॉस के सेट पे पहले दिन से आज तक अगर आप लोगों ने कभी भी कोई भी टास्क देखा होगा, तो मैंने अपना 100% दिया, और मैं जीता हूँ। वो राशन का टास्क हो, तो आई वॉज ऑलवेज द फर्स्ट, यू नो, आई वॉज ऑलवेज, अगर वो 4 बार रेस है और मैं 3 बार भागा हूँ, तो 3 बार नंबर बनाया हूँ, या वो ट्रॉली वाला था जो मॉल वाला था, और मैं 2 बार गया हूँ, तो मेरे लिए हर टास्क जो बिग बॉस के अंदर था ना, वो मेरे लिए एक ही एम था कि उसको जीतना है, उसमें अव्वल लाना है, दुनिया को दिखाना है कि ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा हूँ या ऐसा हूँ, मैं हर चीज़ में आई एम, यू नो, मैं सक्षम हूँ। तो मेरे लिए वो था, जब ये वो एपिसोड चालू हुआ था और उन्होंने वो एक डेमो दिखाया था कि क्या क्या होता है, तो वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि अरे बाप रे, यू नो, क्रोकोडाइल्स एंड लिजर्ड्स एंड दिस, मेरे को उससे बहुत बड़ा फोबिया है,
तो मैंने फिर ये सोचा कि यार बिग बॉस आज मैं जहाँ पे हूँ बिल्कुल फिनाले के पास में हूँ तो इसको 200% देता हूँ, फिर हाथ जोड़ के प्यार से माफ़ी मांग लूँगा और रोहित शेट्टी के सामने तो ऐसे ओके ओके रहेगा तो वो लेंगे नहीं कभी, तो परफेक्ट रहेगा, अच्छे से करेगा उनके स्टंट, तो कभी ईश्वरी कृपा रहेगी, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहेगा तो कभी वो भी बोल देंगे कि आ जाए एक छोटा मोटा रोल कर ले मेरे लिए, तो आई विल बी रियली हैप्पी। हाँ जी, नहीं हाँ क्या हाँ ना, तो मंडली का ही तो जीता है, वो तो अच्छी बात है। नहीं, मंडली को सपोर्ट नहीं किया गया, मैं आपको बताता हूँ, मंडली एक शब्द है, उसको आप ऐसा समझें कि एक परिवार बना वहाँ पे, जो सब लोग एक दूसरे के साथ में खड़े थे और वो लोग एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छे थे, को एग्जिस्टेंस बहुत अच्छी थी उनकी और वो टुगेदर थे एंड दैट वर्कड फॉर देम। और इस शो में क्या वर्क करेगा क्या नहीं करेगा किसी को भी नहीं पता, हर आदमी अपना अपना इंटरप्रिटेशन लेकर आता है। आपको लगता है वो बिग बॉस बायस होते होंगे, किसी के लिए भी बिल्कुल ऐसा नहीं है, कोई बायसनेस नहीं है। हाँ जी, नहीं, मैं अभी बाहर निकला हूँ, मैं अपने आप के ऊपर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर लूँ, बाकी मैं बाद में बात करूँगा क्योंकि मुझे पता नहीं कि बाहर हुआ क्या है। यार मेरे लिए ना एक और बहुत अचीवमेंट था इस शो में, क्या है ना, हम लोग सब लोग सलमान सर का या यू नो शाहरुख सर का जेस्चर्स कॉपी करते हैं, तो मैं इस आंसर का ना जवाब उस जेस्चर से दूंगा जो सलमान सर ने मेरा कॉपी किया, मतलब इमेजिन करो सलमान खान मेरा जेस्चर कॉपी कर रहा है, इट्स लाइक आई डोंट नो इफ आई एम कंफ्यूज और नॉट। अच्छा, आपको लगता है वो डिजर्विंग नहीं है क्या बात कर रहे हैं? नहीं, मैंने आपको बताऊं मैंने ये पहले दिन से बोला है, नहीं नहीं कंफ्यूज मैं कुछ चीज़ों में होता हूँ, वैसे मैं हर चीज़ में कंफ्यूज नहीं हूँ। हाँ हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं जिंदगी में कंफ्यूज ही घूम रहा हूँ मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, पहले तो ये गेम नहीं है मेरे लिए, शो है, मैंने हमेशा ये चीज़ बोला है और एपिसोड में पता नहीं दिखाया कि नहीं दिखाया, लेकिन मैंने बहुत बार बोला कि बहुत लोगों के लिए बिग बॉस एक गेम है, लेकिन मेरे लिए एक बिग बॉस एक शो है। अब उस शो में जो शो का शब्द होता है ना वो होता है दिखाना, और जब आप दिखाते हो तो आप किसी चीज़ के लिए आप लोग भी कुछ दिखा रहे हैं, होपिंग कि वो जो आप दिखा रहे हैं वो जनता को पसंद आएगा, वो क्या है और क्या पसंद आएगा वो सिर्फ जनता जानती है। तो अगर आज स्टैन ट्रॉफी लेकर गया है तो उसने जो भी शो किया, खेला नहीं खेला, जो भी किया वो जनता को पसंद आया, लुभाया, अच्छा लगा, इसीलिए वो ट्रॉफी उसने कमाई और वो हक है। मैं खुशियों की तरफ ज़्यादा देखता हूँ सर, तो मैं एमसी के लिए खुश हूँ, बाकी मैं अपने लिए ही दुखी नहीं हूँ तो मैं किसी और के लिए क्यों दुखी हूँगा मतलब मैं खुद ही यार आज मुझे लगता है कि पता है क्या आपको, मैं सच बोल बता रहा हूँ और मैं इसमें बिल्कुल डिप्लोमेसी नहीं कर रहा, डिप्लोमेटिक नहीं हो रहा, लेकिन आज अगर आप हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये सुबह से जो हमने बिताया, इनफैक्ट कल रात से, कल शाम से जो हमने समय बिताया है, खाना खाया है और साथ निभाया है एक दूसरे का, आज तक जब तक हम बाहर निकले हम सबको एक चीज़ पता थी कि यार सुनो, अब वो ट्रॉफी ना एक वो हो गया, एक क्रिसेंडो है, यू नो एक दरवाज़ा है, लेकिन आप दहलीज तक जब पहुंच जाते हो ना तो आपको पता है घर पहुंच गए हो, तो हम सब वो पहुंच चुके हैं और हम सब विनर्स हैं यार, क्योंकि यहां तक पहुंचना, इस दिन को देखना, और सलमान सर से ही गए थे और सलमान सर के पास ही वापस आए, हाँ ये बड़ा अनरियल था यार। मैं आपको बताऊं, हम लोग, मेरे को तो आंसू थे आँखों में, क्योंकि मैंने अपना सामान खोला था, कार्टन्स थे, वो सूटकेस था, और मैंने अपना सामान खोला था और आज सुबह बोला गया कि अपना सामान, मतलब बिग बॉस ने बोला कि सामान पैक कर लें, नहीं अपना अपना सेग्रीगेट कर लें, क्योंकि आप तो यू विल हिट द फ्लोर। मैंने अपना सामान खुद बांधा और मैं बहुत, क्योंकि मैंने बहुतों का सामान बांधा इस घर में,
है ना, विकास हो, श्रीजिता हो, मैंने बहुत लोगों का पैकिंग करी है, और वो जो स्टोर रूम में रखना होता है वैसे हम रख देते हैं। मैंने मेरा सामान किसी ने और ने नहीं पैक किया यार, मैंने ही खोला था और मैंने ही पैक करके अभी वापस घर लेके जाऊंगा यार, इससे बड़ी खुशी और हो ही नहीं सकती। हाँ क्या मैं आपको बताऊँ, मेरे ऊपर ना जितने सवाल यहाँ पे उठाए गए, मुझे नहीं लगता कि किसी और ने भी किसी और के ऊपर उतने सवाल उठाए होंगे। द होल एग्जिस्टेंस के ऊपर मेरे सवाल उठा लिया, मेरी चाल, मेरे जेस्चर्स, मतलब हर चीज़ में सवाल उठाया। तो इस घर में ना सबने हर किसी के बारे में बहुत कुछ बोला है, और क्योंकि ये शो ऐसा है, ये घर ऐसा है कि बहुत सारे आपको बहुत हेडेक होता है, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स होती हैं आपको, और उस कंस्ट्रेंट्स में ना आपके जो इमोशंस होते हैं, क्योंकि आपके पास में आपका परिवार नहीं होता, यू नो, आप लोग, हम लोग सब लोग अपने, जैसे आप लोग भी घर जब जाते होंगे एक हेडेक डे के बाद में, तो अपने घर के पास, घर पे जाते हैं, मम्मी से, बीवी से, बच्चों से मिलते हैं, तो एक डिटॉक्स होता है, वो नहीं है वहाँ पे। तो वो धीरे 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 करके ना ऐसा हो जाता है कि एक लेवल ऐसा आता है कि आप लोग आप ना बहुत कुछ बिना सोचे समझे ही बोलते हैं। बहुत लोगों ने मेरे बारे में बिना सोचे समझे बहुत कुछ बोला, मैंने उसे कभी मुद्दा नहीं बनाया, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि इस शो में जाने अनजाने में आप ऐसे इमोशन पे आ जाते हैं कि आप शायद नहीं भी हैं वो इंसान, है ना, लेकिन आप वो बन जाते हैं खाने में, भूख में, और सारी चीज़ों के टेंशन में। नॉमिनेशन है, कैप्टेंसी है, राशन है, यू नो, सेविंग है, अभी तो इस बार तो बहुत कुछ अलग अलग था, तो इसमें बहुत लोगों ने बोला है सब कुछ, मेरे बारे में बहुत कुछ बोला है, लेकिन वो सब माफ़ है, एंड मैंने कभी उस चीज़ को बुरा नहीं माना। मैं मेरे को कभी भी उन्होंने, बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला, मैंने कभी नहीं बुरा माना। हाँ जी, हाँ जैकेट, हाँ ये हाँ ये मैं ये मेरा ग्रेजुएशन का जैकेट है बाय द वे, कि मैं मतलब आज ग्रेजुएट हो गया, है ना, ये शोशा लिखा है, और मुझे पता भी नहीं मतलब कहाँ से ये चीज़ चालू हुई, एंड आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेजुएशन जैकेट फॉर मी टुडे टू द नेक्स्ट फेज ऑफ माई लाइफ, जो अब इस घर के बाहर होगा। चिकन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैंने नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, पहले तो मैं चिकन का धन्यवाद दूंगा और पहले प्रणाम करूँगा किसी चिकन के पास में, मेरे को चिकन, हाँ as बोलो बोलो, मैंने आपका आपने देखा भी रोहित शेट्टी का जो रोहित सर का एपिसोड था, नंबर वन आया मैं, कौन सा कमजोर हूँ मैं? नहीं, हाँ, मेरे को बताऊँ क्या, मेरे को भूख लग रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं आपको बताऊँ, मैं अभी अभी घर से बाहर आया हूँ, मैं मम्मी पापा से मिलूंगा, अपनों से मिलूंगा, अपनों से जानूंगा कि उनको क्या लगता है, कि जो मुझे जानते हैं, मेरी आत्मा को जानते हैं, और जिन्होंने देखा है, मैंने तो देखा नहीं, मुझे नहीं पता दूसरे कमरे में क्या हो रहा है। मैं फील कल से करना चालू करूंगा, अभी तो मुझे आज़ादी आज़ादी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, मुझे नहीं पता।